चलो देखो बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने तीन प्रश्न दिया है, कितना प्रश्न? तीन प्रश्न दिया था और तीनों प्रश्नों में पहला प्रश्न चूंकि चैप्टर खत्म हो गया था और चैप्टर था दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। कौन सी गति जी दुबे जी? दृढ़ पिंडों की कौन सी गति? घूर्णन गति। तो इसमें पहला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न ये कह रहा है, पहला प्रश्न ये कह रहा है बच्चों, हाँ पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान का, देखो 500 ग्राम द्रव्यमान का अगर कोई पिंड होगा क्या हो गया? 50 ग्राम। अच्छा, यानी कि जो 50 ग्राम द्रव्यमान का है कितने ग्राम का है? 50 ग्राम। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखिए 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, तो तुम जानते हो कि द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल, कैपिटल एम से, स्मॉल एम, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा 50 ग्राम और एक किस पद्धति में है यूनिट? सीजीएस में, तो इसको केजी में बदल लेंगे। तो देख लीजिए एम बराबर हो जाएगा 50 अगुणे केजी में जाने के लिए कितना? 10 के घात माइनस कितना? 3 केजी। कोई दिक्कत है? ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 10 के घात माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। फिर कह रहा है कि अक्ष के चारों वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है और घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व के केंद्र की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50 और 10 के घाते कितना? -2 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आर से। क्लियर है? घूर्णन अक्ष से दूरी जो किससे प्रदर्शित किया जाएगा? आर से। तो आर दे दिया, पिंड का जड़त्व आघूर्ण पूछा है, तो जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई का हमको वैल्यू चाहिए और इसलिए हम जानते हैं कि आई बराबर कितना? एम आर का, आई बराबर होता है एम आर का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से आई बराबर यम, यम का वैल्यू आपको निकाल दिए, 50 गुणे 10 गया कितना? -3 गुणे आर का वैल्यू कितना है? 50 गुणे 10 गए माइनस कितना? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर 50 गुणे 10 के घाते -3। इसको दो बार रिपीट कर सकते हैं, 50 गुणे कितना? 50 और 10 गए -2 का स्क्वायर कर लो, कितना हुआ? -4 हो गया। तो आई बराबर हो जाएगा बच्चों 50 है तो 5 बच्चे 25 बच्चे 125, कितना जीरो बच गया है जी? 3 जीरो। तो 10 के घाते कितना लिख दे? +3 लिखे ना, और यहाँ पे आया था -3 था कि नहीं था, और बगल में 10 गए थे माइनस कितना? 4। तो -3 + 3 क्या हो गया? कट गया। तो आई बराबर बच गया 125 गुणे 10 गए थे माइनस कितना? 4। ये आंसर हो गया, लेकिन जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कितना होगा? अरे यम माने किलोग्राम और दूरी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो जी, हो जाएगा ना? आई बराबर यम आर का स्क्वायर, यम को किलोग्राम में तोलते हैं, नापते हैं, और आर दूरी है तो उसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न से पहले मैं ये क्वेश्चन पहले आपको बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूँ, अगला घूर्णन करते हुए पिंड के क्वेश्चन नंबर पहले 3 देख लो, घूर्णन करते हुए पिंड में 4 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर के, 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 4 रेडियन प्रति सेकेंड का स्क्वायर, कितना रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर? 4 रेडियन प्रति सेकंड के स्क्वायर के कोणीय त्वरण से, कोणीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो अल्फा बराबर 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। उत्पन्न करने के लिए 2.0, कितना जीरो बच्चों? 2.0
जीरो गुणे दस के घाते कितना? माइनस चार न्यूटन मीटर। तो 2.0 गुणे दस घाते माइनस चार न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? बल आघूर्ण का, जो प्रदर्शित किससे किया जाता है जी? है अन्नू, क्या लिख रही हूं तू? 2.0 × 10 घात माइनस चार न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बल आघूर्ण का, यानी कि जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ताऊ से। और पूछा क्या, देखिए, कह रहा है कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यानी आई चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए? अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, यहाँ पे यम था और आर था, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर। लेकिन अब हमको ये ढूंढना है, मैं कई बार बताया हूँ कि अल्फा भी हो, टाउ भी हो और आई भी हो, तो मैंने लिखवाया है डिफरेंस बिटवीन टाउ एंड आई, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध। तो क्या होता है, जानते हो? टाउ बराबर कितना? आई अल्फा। हमको चाहिए क्या? आई। तो बस आई जब निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा टाउ बटे कितना? अल्फा हो जाएगा। तो आई बराबर टाउ का मान ये रहा 2.0। मैं तो ये कहता हूं कि जीरो को तुम भूल जाओ, क्या कर जाओ, क्योंकि फिजिक्स में जीरो जब लगाते हैं कई बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये मान के चलो कि दो ही है, समझ रहे हो? तो दो गुणे कितना गुणे? दो गुणे दस के घात माइनस कितना? चार। अब बटा अल्फा का मान कितना है? चार। बस चार ही है ना। एक काम कर लेते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा दो, जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा? चार पची कितना होगा? बीस हो जाएगा ना जी। तो जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। इंटू टेन टू दी पावर माइनस कितना? फोर। अभी एक नया बात मैं तुमको बताऊं, दशमलव को उधर लेके जाना चाह रहा हूं, दशमलव को किधर लेके जाना चाह रहा हूं? उधर। तो उधर ले जाने के लिए गुणा करना पड़ेगा दस से, और दस से क्या करना पड़ेगा? तो गुणा करेंगे तो पांच हो जाएगा, अब माइनस ऊपर जाएगा तो कुल मिला करके एक माइनस दस के घाते माइनस पांच आएगा कि दस के घाते माइनस तीन? दस के घाते माइनस पांच। क्यों? और आई का पूरा मात्र कितना? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें?